हरियाणा में बनेल बनाव ने लईने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। हरियाणाना नूह जिल्लामां सोमवारे सर्जायेल परिस्थितिने लई हिंसाना पगले असंख्य लोको इजाग्रस्त थया हता, ज्यारे वाहनोने पण भारे नुकसान पहोंचाड़वामां आव्युं हतुं। घटनाना पगले हरियाणा सरकारे समग्र राज्यमां पेरामिलिटरी फोर्स तैनात करी दीधी छे। आ घटना पूर्व आयोजित होवानुं केटलाक राजकीय पंडितो कही रह्या छे। त्यारे आजे हरियाणामां बनेली घटनानो पड़दो वडोदरामां पण पड्यो हतो। शहेरमां गांधीनगर गृह खाते विश्व हिंदू परिषद अने बजरंग दल द्वारा कड़क कार्यवाही करवानी मांगणी करी हती। आजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग तरफथी जे धरणा करवामां आव्या छे, एमां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलनी ए मांग छे के हरियाणानी सरकार द्वारा आवा मानसिकता धरावता लोकोने वहेली तके पकड़ी लेवामां आवे, तेमना ऊपर कायदेसरनी कार्यवाही थाय ने शिक्षात्मक पगलां लेवामां आवे अने तेओने कायદાનું ભાન કરાવવામાં આવે। અને જો આ નહીં થાય તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળના યુવાનો દેશના જે પણ સરકારી અધિકારીઓ છે એમની સામે ઉગ્ર રજૂઆત કરશે, અને છતાં પણ જો આ કાર્ય નહીં થાય તો તેઓ પોતાના સર્વસ્વ સ્થાપી અને રસ્તા ઉપર ઉતરશે। એના માટે જ આજે અમારે આટલો ઉગ્ર વિરોધ કરવો પડ્યો છે, અને જો અમારી માંગણીને સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો હજુ પણ આનાથી પણ ઉગ્ર વિરોધ રસ્તા ઉપર ઉતરીને કરવામાં આવશે। આજે અમે વડોદરાના ગાંધીનગર ગ્રુપ ખાતી 100 થી 125 ની સંખ્યામાં બજરંગ દળના યુવાનો અહીંયા એકત્ર થયેલા હતા અને અમે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે। હરિયાણા મેં જો ઘટના ઘટી, જો વિધર્મીઓ કે દ્વારા હમારે હિન્દુ શોભાયાત્રા પર જો પથરાવ હુઆ, જો માર્કકાટ વહાં પે ઉન લોગોને મચાઈ હૈ, ઉસકે ઉપર સબસે પહેલે હમ બહોત બહોત પીડિત હૈ, દિલ સે દુખી હૈ, ઓર ઉસકે વિરોધ મેં આજ હમને જો યહાં પે પ્રદર્શન કિયા હૈ। હમ યે કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક જો વિચારધારા હૈ, હમ ઇસસે ભારત કો હી મુક્ત ચાહતે હૈ। હા, સરકાર અગર વો મેવાત મેં જો ઘટના ઘટી હૈ હરિયાણા મેં, ઉસકે ઉપર જો ભી કાર્યવાહી કરે, हम सरकार से पहले विनती करेंगे कि आप सही तरीके से कार्यवाही कीजिए और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लेकिन कार्रवाई अलग। उसके अलावा ये विश्व हिंदू परिषद हमेशा ये चाहेगा कि हम अपने भारत को कट्टरपंथी इस्लामिक जो विचारधारा है इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि बार बार इस तरीके के हमले हमारी शोभा यात्रा पर हो रहे हैं, हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं इन पर किसी भी राज्य में देख लो कहीं कोई शांति नहीं है, सिर्फ इन विधर्मियों की जो कट्टरपंथी सोच है उसकी वजह से। तो हम नहीं चाहते कि जिहादियों की सोच या फिर ये कट्टरपंथी इस्लामिक सोच हमारे भारत में अब टिके। हम भारत को कट्टरपंथी जिहादी सोचों से मुक्त नहीं करना चाहते, हम ऐसे कट्टरपंथियों से ही भारत को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे प्रदर्शन में खड़े हुए हैं और ये हमारा प्रदर्शन समझ लीजिए चलता ही रहेगा, किसी भी रूप में चलेगा जब तक हम इन कट्टरपंथियों से अपने भारत को मुक्त न करें। समाचारों ना सतत अपडेट मेड़वा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब ऊपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।